भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत सुजानपुर मंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा ने शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री और संगठन मंत्री ने पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए, जिससे लक्ष्य को पूरा किया जा सके। सदस्यता अभियान के तहत सुजानपुर मंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि 15 फरवरी से 15 मार्च तक सदस्यता अभियान का दूसरा चरण चलेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो भी कमियां रही हैं, उन्हें दूर कर सदस्यता अभियान को सफल बनाना है। इसके लिए उन्होंने पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान के बारे में टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि सभी मोर्चे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके आसपास सभी लोगों ने सदस्यता ले ली है या नहीं। उन्होंने कहा कि सभी मोर्चे अपनी टीम तैयार करेंगे और घर घर जाकर सदस्यता अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। इस बैठक में मंडल के पदाधिकारियों के अलावा बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सारे देश भर में एक अभियान चल रहा है, हर 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी चलाती है सदस्यता अभियान, जिसमें नए सदस्य बनते हैं और जो पुराने सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता का भी नवीनीकरण होता है, रिन्यूअल होता है। इस बार का जो अभियान है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पता किया कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 8.5 करोड़ मेंबर पाए गए। हमने निर्णय किया है कि उनके 8.5 करोड़ हैं, तो हम 10 करोड़ मेंबर बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाएंगे। वो ऐतिहासिक अभियान चल रहा है, उसका महाअभियान का पहला फेज आज पूरा हुआ है और दूसरा फेज शुरू हो रहा है। अब दूसरे फेज में हम अधिक से अधिक डिजिटल मेंबर, ऑनलाइन मेंबर बनाएंगे। 1800-266-20-20 पर मिस्ड कॉल देकर और बाद में 092-424-92-424 पर SMS करके अपने पर्टिकुलर दे के लोग सदस्य बन सकते हैं। आज उसकी हमने सदस्यता की समीक्षा यहाँ पे की है, 12,700 यहाँ के मेंबर बन चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हम दुगनी संख्या में बनाएंगे यहाँ से और भी मेंबर। अलग अलग मोर्चों को, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, OBC, इन सबको अपने अपने सदस्यता बढ़ाने का आज आग्रह किया गया है। 15 मार्च तक के सेकंड फेज चलेगा और हमें आशा है जो देश का टारगेट है 10 करोड़ लोगों को बनाने का, वो पूरा होगा और 10 करोड़ के योगदान में हमारा योगदान 15 लाख का हिमाचल का है, वो भी हम पूरा कर लेंगे। के चैनल के लिए हमीरपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।